ठीक है, मतलब मेरी कन्वर्जन लाइन, कन्वर्जन लाइन और इसके ओपन के ऊपर वायर, तो मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरा पाई शुरू होगा और मैं दोनों को उसी लाइन पे कर देता हूँ। देखिए दोनों को मैं उसी क्लाउड पर ले रहा हूँ, देखिए इसको भी और इसको भी, दोनों को क्लाउड लाइन पर ले रहा हूँ और मैं वन आर की क्लाउड लाइन ले रहा हूँ, वन आर की क्लाउड लाइन में ले देता हूँ। बताइए दोनों के दोनों मेरे को क्या बोल रहे हैं, क्या बाय दे रहे हैं वन आर में? लगाने की भी जरूरत होती ही है इसको वैसे, कि आपको ओपन की लाइन लगानी हो तो दिखता ही है सामने ओपन, मतलब मेरा बाय कहां पर होगा दोनों का? अगर बाय आएगा तो ये इसके ऊपर बाय और ये इसके ऊपर बाय, राइट? तब तक आपका कोई बाय है ही नहीं। अच्छा इसको अगर मैं 5 मिनट में चेक करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं 5 मिनट में इसको चेक करूंगा, अभी देखिए कोई बाय आया नहीं है, मैं इसको 5 मिनट में और चेक कर लेता हूँ कि 5 मिनट में इसको क्या बोल रहा है। ये देखिए क्या 5 मिनट में बाय आ गया इसका, बताए यस, क्या 5 मिनट में बाय आ गया इसका? क्यों राजू जी नहीं है? नहीं सर, मेरी नहीं राजू, आपकी बाय कम से कम कहां पर है? कम से कम ब्लू लाइन के ऊपर आपकी बाय है, कम से कम ब्लू लाइन के ऊपर। चलिए किसी स्टॉक को चेक करते हैं, इसी बेस पर मैं किसी स्टॉक को चेक करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं हमको स्टॉक, बताइए कौन सा ऊपर जा रहा है सर? एसबीआई चेक करें ना, एसबीआई कौन सा वाला? एसबीआई बैंक है, एसबीआई अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसको चेक करते हैं, मैं आपके सामने देख रहा हूँ इसको, ये देखिए इसने कब आपको बाय दिया था आप बता दें, कब बाय आया था इसका? ये बाय था इसका जब ये क्रॉसिंग दिया था, अच्छा बाय अभी नहीं आया है, लेकिन ये टेम्परेरी बाय आपका आया हुआ था। देखिए यहाँ तो बाय नहीं करना था, पर यहाँ बाय करना था, दोनों में फर्क क्या है? यस दोनों में फर्क क्या था एक बार मैं, यस दोनों में फर्क क्या होगा बताएं? ये वाला सर नहीं, नहीं, नहीं समझ पाए, आपने बोला यहाँ नहीं करना है आगे करना है। आप देखिए दोनों में फर्क समझिए, ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर है ना और ये कन्वर्जन लाइन के नीचे है, राइट? मैं यहां पर बाय कर सकता था लेकिन यहां पर बाय नहीं कर सकता था, एक बार को मैं यहां बाय कर सकता था, राइट? इसके ऊपर इस समय क्या मेरे को बाय करनी चाहिए? क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे को बाय करनी चाहिए अभी यहां पर? नहीं है, नहीं सर। क्यों नहीं है? रीजन बताएं क्यों नहीं करूंगा? कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तभी बाय, तभी बाय, आप करें मत उससे पहले बाय। अच्छा जब कैंडल जो है वो छोटे टाइम फ्रेम की कन्वर्जन लाइन के ऊपर हो, ये कहना चाह रहे हैं? ये इसके ऊपर इन दोनों, आप पीछे से हमेशा उठा के देखिए, कभी भी ये नीचे आया ना इसके ऊपर जाएगा तभी बाय देगा, और नीचे आपके पास चली है, केवल इस रीजन से मैंने कन्वर्जन लाइन ले रखी है। चाहो तो चीकू उस पर हटा सकते हो, आपका कोई इशू नहीं है उसमें, अभी आपको मना कर रहा है कि आप ना करें। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में और लेके चले जाता हूँ 5 मिनट में, देखते हैं 5 मिनट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं 5 मिनट भी, क्या आप ले जाए बाय? नहीं है ना, देखिए मना कर रहा है आपको, और छोटा टाइम फ्रेम ले जाए आराम से, चेक करिए क्या और 2 मिनट भी आपको बोल रहा है कि बाय है, बताए बताए क्या आपको बोल रहा है बाय? कैसे देखिए ये मैंने 14 और 30, बाय तभी होगी जब एक अपनी कन्वर्जन और बेस लाइन के ऊपर आएगा, नहीं तो इसकी कोई बाय अभी होगी नहीं। आराम से बैठ सकते हैं, ऊपर जाएगा इसके ऊपर जाएगा तो आपको देखे जाएगा। अच्छा बताइए यहां पर क्या हुआ, आ गया ये, आ गया कन्वर्जन लाइन के ऊपर, यस चल रहा है। अब जरा मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूं दोनों वनडे में क्या कर रहे हैं, जरा एक मिनट देख लेते हैं दोनों वनडे में क्या कर रहे हैं, क्या बाय आ गई अभी भी? यस क्या मुझे नहीं सर, क्या बाय आ चुकी? अभी भी नहीं है, नहीं सर बाय अभी भी नहीं है, पिछले कैंडल क्लोज ओपन हुआ ना सर उसका ऊपर तो बाय, यस अभी तो बाय है ही नहीं, रूल के मुताबिक अभी कोई बाय इसकी है ही नहीं, तो हम जबरदस्ती क्यों बाय करें? मेरा बाय करने का कोई सेंस नहीं है, इसका मूड ही नहीं है, क्यों नहीं बाय करने का मूड है?
क्योंकि इस समय अभी ये सेलिंग मोड में ही है, बाइंग मोड में है ही नहीं। ये देखिए रिजल्ट क्या हुआ, मैं रुका रहा, मैंने इसकी बाय नहीं की, और क्या हुआ, मार्केट चल दी रहा चल रहा है, फिर से धीरे धीरे पुश करके नीचे। देख रहे मार्केट अगर बाय लेगा तो इसके ऊपर ही लेगा, नहीं तो बाय लेगा ही नहीं मार्केट। अब और किसी स्टॉक को चेक कर लेते, मैं यहीं से चेक करने के दिखाता हूं आपको। ये SBI अंदर देखिए क्या हुआ, चला गया ऊपर, ये देखिए आपके सामने ये दो मिनट में भी नहीं जा रहा है मार्केट ऊपर, बाय इसके ऊपर ही आएगा, कन्वर्जन लाइन के ऊपर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये सर लूपिंग चेक करेंगे सर एक बार, लुपिन में कोई सारे स्टॉक आप चेक करके देखें कि क्या कर रहा है। मैं लुपिन को चेक कर देता हूं और मैं 1 आवर में, अमित जी इसको 1 आवर में चेक कीजिए जो भी करना है। सर रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ एक मिनट देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी चालू है क्या? हाँ जी चालू है। आप बताइए लुपिन क्या कर रहा है, बताइए आप जरा, और 5 मिनट में चेक करें, 5 मिनट में बताइए क्या दिया था इसने लुपिन ने आपको, अपने आप बताए, क्या सेलिंग पोर्शन बोल रहा है आपको, बाइंग बोल रहा है, अपने आप बताए मेरे को क्या दिया था इसने, बाइंग दिया था ना आपको, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन चीको स्पैन सब ऊपर है, और अभी कोई सेलिंग वाला पार्ट है नहीं इसमें, आप बाइंग साइड में जा सकते हैं मगर सेलिंग वाले पार्ट में कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है इसकी। आप देखते हैं सन फार्मा बहुत अच्छी जगह पे आ रखा है, 5 मिनट में सन फार्म देख लेते हैं इसको, इसमें देखिए अभी आप बाय साइड में ही रहे, अभी सेल साइड में ना आए। सन फार्म ने एक बाय लेनी थी, मेरे को पता नहीं वो बाय ले ली होगी नहीं ले ली होगी, ये देखिए सन फार्म एक अच्छी जगह पे आ रखा है ठीक है, लेकिन अभी एक छोटा सा इशू है, और इशू क्या है बताएं, सन फार्म के साथ इशू बताएं जल्दी से क्या है, कौन बताएगा जल्दी सर? ग्रीन लाइन क्रॉस नहीं किया सर अभी, कन्वर्जन लाइन में क्रॉस नहीं किया अभी, सब कुछ ओके है। आप देखो ऐसा भी आपको मिलेगा, चीकू स्पैन क्रॉस कर चुकी है, कन्वर्जन लाइन क्रॉस नहीं किया अभी, और जब तक कन्वर्जन अगर आपको लेना था या तो आप देखो यहां से ले लेते तो सही था, कोई इशू नहीं था, कुछ पॉइंट मिल ही जाते, लेकिन अगर बाय लेना है तो बेस लाइन के ऊपर लेना है सर, ऐसा नहीं जाएगा नहीं ऊपर चला जाएगा, देखिए ये देखिए सेलर अभी ज्यादा ही है थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि अभी बाय नहीं जाएगा, जा सकता है लेकिन तब जब ये इसके ऊपर निकल जाए तो आपको एक अच्छा बाय देगा, तब तक बाय सर इसको 5 मिनट पे चेक कीजिए, 5 मिनट में चेक कर लेते हैं, ये देखिए क्या दिखा रहे हैं 5 मिनट में, क्या दोनों निकल गए ऊपर बताए, क्या मेरे को अभी बाय करना है 5 मिनट के हिसाब से, क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं निकली अभी, देखिए नहीं निकली ना, अगर ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा और यहाँ से क्रॉसिंग लेते हैं हम बाय लेके देख लेंगे इसको, नुकसान भी तो देखो और ज्यादा क्या करेगा, टेस्टिंग तो हो जाएगी, क्यों तो राजू जी पिछले कैंडल का बॉडी के ऊपर तो बाय है और क्या, देखिए बाहर नहीं कर रहा है, देखिए अगर ये जाएगा तो मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा, देखिए 25.80 मार्केट से ही देखते हैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो, अगर ऊपर निकलेगा तो की बात है, देखते हैं, देखिए क्रॉसिंग कर रहे हैं हम इसको वेट करेंगे थोड़ा सा, देखिए निकल रहा है, पिक के ऊपर जाए तो ये क्रॉसिंग करेगा, पिक के ऊपर जाएगा तो हम टेस्ट करके देखेंगे इसको, मतलब इसमें बायस होने का कोई नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए लॉस चाहिए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसको, इस समय हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग ओके है या नहीं है, हालांकि मेरे को लेना चाहिए जब कन्वर्जन लाइन भी ऊपर निकल जाए, पर कोई इशू नहीं है, हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे, देखिए चल रहा है, चलिए देख लेते हैं ठीक है, ये मैंने ले लिया राइट, इसको ट्राई टेस्ट करके देख लेते हैं क्या होगा, ये चल रहा है ऊपर राइट, ये मैंने क्रॉसिंग पे ले लिया और मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए ये भी बता दीजिए, कटेगा कट जाएगा, ये मेरा होना चाहिए अराउंड इसके नीचे, कन्वर्जन लाइन का नीचे सर 53.3 पे रख लेते हैं राइट, रख के देख लेते हैं भाई काम करता है कि नहीं करता, 53 पर रख लेते हैं, 53.3 भी क्या 53 पर ही रख लेते हैं, ये रहा मेरा सर और मैंने इसको छोड़ दिया अभी, हालांकि मेरी एक छोटी सी इसमें मिस्टेक है और मिस्टेक क्या है बता दे, वो भी बता दे तो लेते समय की वो हमारी मिस्टेक है, पहले हमें पता होना चाहिए क्या है मिस्टेक, कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं निकली अभी, ये रहे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं
इसलिए हम कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, वो छोड़ रहे हैं हम सारी की सारी। केवल दो चीजें कि पहला तो मैंने ये देखा कि मेरी जो इसकी कुछ पैन है ये आपका बाहर निकल रही है, क्लियर। दूसरी बात, अभी मेरी इसमें ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन इसमें क्या है? अभी नेगेटिव साइन इसमें ये है कि मेरी जो ये कन्वर्जन लाइन है ये ऊपर क्रॉस नहीं हुई है। हम इसको छोड़े रखेंगे, हम इसको नहीं दिख रहे हैं कहाँ पर स्टॉप जाएगा, जब स्टॉप जाएगा तब हम सोचेंगे कहाँ पर जाएगा। सर इसमें कौन सा बेटर है सर, वो चिकू स्पैन बेटर है या कन्वर्जन लाइन? चिकू स्पैन बेटर नहीं है, चिकू स्पैन बेटर नहीं है, ये मैं पहले बता दूं, चिकू स्पैन बेटर नहीं है, बेटर आपका ये है। ओके बेटर आपको ये सर, एक्सक्यूज मी सर, सर ये सेटअप एक्सप्लेन कर देंगे सर एक बार, इसमें कुछ चेंजेस लगा या सेटअप? अभी देखिए सॉरी मैं इस समय एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है तो ये यूट्यूब पर जाता है। ओके सेटअप आप मेरे से पूछ लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं सारा बता दूंगा, क्योंकि इससे मेरा काम चल रहा है अभी, जब तक पूरा काम नहीं हो जाता तब तक मैं ऊपर यूट्यूब पे डालता नहीं सेटअप को। मेरा काम चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसमें आराम से काम करके देखें और रिफाइन करें इसको, और रिफाइन करें आप देखें सेटअप और रिफाइन करके देखें कि कितना सेटअप में काम आता है। अभी देखिए क्या हुआ, इसमें आपका बेस लाइन के ऊपर है, बेस लाइन के ऊपर है, देखिए इस टॉपर मतलब कौन सा मोड है इसका, बाय मोड। लेकिन मिस्टेक क्या है इसमें, मिस्टेक ये है कि इस लाइन ने अभी क्रॉस ऊपर नहीं किया, क्रॉस ओवर नहीं हो रखा है, वो मेरी अभी मिस्टेक है। अगर ये ऊपर क्रॉस ओवर हो जाता और तब मैं लेता तो मेरे को ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। हम केवल इसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके देख रहे हैं, हमें किसी और स्टॉक में लगा के देखता हूँ, देखते हैं कोई और स्टॉक अगर मिल रहा है तो हम उसके स्टॉक को लगा के देखेंगे, कोई भी एक पकड़ते, कोई भी एक स्टॉक देखते हैं, कौन सा स्टॉक पकड़े बताए, कोटक बैंक, इंडस आईएनडी बैंक या गिरावा पकड़ते हैं, चलिए कोई गिरावा स्टॉक, कौन सा है, अडानी पोर्ट, हिंदू यूनिलीवर, बजाज ऑटो, चलो हिंदू यूनिलीवर पे देखते हैं, हिंदू यूनिलीवर ही देखते हैं, ठीक है चल रहा है और मैंने इसको छोड़ा हुआ है, ठीक है मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, हिंदू यूनिलीवर से बात करते हैं जरा, और इसको वन आर पे जरा डिसाइड करते हैं, वन आर पे कर क्या रहा है, ठीक है आप बताइए वन आर पे क्या कर रहा है, बाय साइड में है सेल साइड में, जल्दी से बताएं बाय साइड में सेल साइड में, सेल साइड में, सेल साइड में इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं जरा, मेरे को अभी क्या बोल रहा है ये बाय साइड से, क्या बोल रहे हैं बताएं, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें जरा, पांच मिनट से क्या बोल रहा है ये देखिए, मेरे को क्या करना चाहिए इस समय, सेल करें या ना करें बताइए, यदि आप लोग डिसाइड करिए, नहीं सर बेस लाइन के नीचे आएगा तभी करें, बेस लाइन के ऊपर है अभी ये, एक बार बेस लाइन के नीचे आने दीजिए तब मेरे को सेलिंग होगी बहुत अच्छी। देखिए इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए इसको चेक करने का एक तरीका है कि जब इसने क्रॉस किया तो अराउंड ये कैंडल थी अप्रोक्सीमेट, तो इसके नीचे इसकी सेलिंग है, सर ये पहले भी बेस लाइन के नीचे आया लेकिन रुका नहीं, एक कैंडल में तो क्लोज चाहिए बेस लाइन के नीचे, देख रहे हैं यहाँ पर एक कैंडल कम से कम क्लोज चाहिए, देखिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सेलिंग करते हैं, ये भी मैंने सेलिंग कर दी, देखिए इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए बताएं, यस इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर कन्वर्जन लाइन, कन्वर्जन लाइन 2397 राइट, इसका एग्जिट कहाँ पर होना चाहिए, एसएल होना चाहिए 2397 होना चाहिए, हमने 10 पॉइंट का ऐसा रख लिया है, देखिए हमने 10 पॉइंट का ऐसा रख चुके हैं और चल रहे हैं, देखिए हमारा सनफॉर्म में मिस्टेक आपको पता है हमारी क्या थी, यस और नो, सनफॉर्म की हमें मिस्टेक हमारी पता थी हमें, और सनफॉर्म देखिए हमें अभी लॉस दे रहा है और हम इसमें रुके पड़े आराम से, मैं इससे हट नहीं रहा हूं, कोई फर्क नहीं है उससे, लॉस तो अपना हमारा फायदा कर रखा है तो हमारा 20-50 रुपए का लॉस कोई फर्क नहीं रहता, दोनों में दिखा रहा हूं, देखिए आपको वेट कर रहे हैं, इसने ब्रेक किया, अब इसकी अच्छी सेलिंग कहां पर आएगी, अगर आएगी तो बताएं,
इधर ही लीवर की कहां पर आएगी, यहां पर। और अभी दोनों के नीचे हम देखना छोड़ देते हैं इनको, जो हमारा लॉस देके जाएंगे कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट देके जाएंगे कोई इशू नहीं है। इसको हम थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं कि मैं इसको, क्योंकि इसको लगा थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कटेगा तो कट जाएगा इसके ऊपर, ये मॉडिफाई करते हैं जिससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे, छोटा रहे। आप देखते हैं किसी और स्टॉक को, बैंक निफ्टी को जरा एक बार चेक कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जा रहे हैं, जरा चलने देते हैं। मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए, क्यों स्टॉक को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए। आप जरा बताइए क्या बैंक निफ्टी आ गया कि नहीं आया, यस और नो? ट्राई कर रहे सर, कन्वर्जन लाइन के ऊपर। अगर मैं इसको डे में देखता हूँ तो डे में क्या आ गया बाय के, ये बताएं? अभी तक नहीं है, नहीं आया अभी। देखिए एक घंटा हो गया है मगर मार्केट बाय में नहीं आया अभी, पर क्वेश्चन ये है कि क्या बाय है, क्वेश्चन अभी आ जाता है कि क्या बाय है। यस ये बताएं? नहीं सर अभी बाय नहीं, बाय नहीं है। मतलब आपके पास क्या है, अभी बाय का सीन बना नहीं है, तो हम क्यों जबरदस्ती बाय करें? वेट करना है सर, वेट करना है। वन डे में अभी नहीं है सर, वन आवर में देखेंगे। वन आवर में आ सकती है, वन आवर में इसकी शायद कोई बाय आएगी होगी, लेकिन फिर भी वन आवर में भी आपको इसके ऊपर ही बाय करना है, ध्यान रखिएगा। वन आवर में भी अगर बाय की एक ही जगह पर आती है, चाहे आप वन आवर में देखें चाहे वैसे बोले, वन आर में भी कब बाय आएगी इसकी, जब ये इसके ऊपर जाएगा, राइट। अगर मैं सारा कुछ हटा देता हूँ, देखिए मैं इन चीजों को लाऊ सब हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया सारा सब हटा दिए, तो भी मेरी बाय कब मिलेगी मेरे को बताएं, बाय का सीन कब बनेगा इसका? इसकी दो कैंडल बन चुकी है, पहली कैंडल कौन सी है इसकी, ये देखिए इसकी बाय चेक कीजिए एक घंटे की, वन आर की बाय कहाँ पर आई है, किसके ऊपर बाय है ना? बैंक निफ्टी तो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं अभी, निफ्टी तो अभी यस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों अभी एक जगह पर नहीं आए हैं जहां पर जाने चाहिए। यस ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों एक जगह पर नहीं है जहां पर आने चाहिए अभी, और अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ही आपको कुछ बाय का सिग्नल दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और कौन सी जगह है इसकी, इसकी जगह आपके पास वापस यही वाली है, दूसरी कोई जगह नहीं है, दूसरी जगह मिलेगी नहीं यही बाय का, ये इसका सिग्नल बाय का। और ये वाली कौन सी गई है इसको भी चेक कर लीजिए, डे में कहां पर है ये देखिए, ये आपका बाय में अब शुरू हुआ है, भाई करो चलना शुरू हुआ देखिए बाय में, अब क्वेश्चन ये है कि भाई इस जगह पर क्या आपकी बाय आ रही है नहीं आ रही है, एक ने आपको बाय दे दिया और एक ने नहीं दिया, राइट। किसकी बाय कब मिली आपको, किसकी बाय आ चुकी है, लेकिन आपके पास एक घंटे में किसकी बाय नहीं आई अभी, यस किसकी बाय नहीं का नहीं, मिट्टी का नहीं आया सर, नहीं आया, इसका मतलब अभी इशू है। अगर दोनों आपको बाय ना दें, दोनों आपको बाय डाल दे तो अपनी बाय ना ले, सिंपल सा लॉजिक है, अगर दोनों बाय ना दे तो आप बाय ना ले, ये देखिए टच करके वापस बार बार ट्राई कर रहे हैं सर ऊपर जाने के लिए, यस ट्राई कर रहे हैं मगर अभी गया नहीं है, देखिए ये आपकी जगह है, हो सकता है चला जाए अभी, हो सकता है चला जाए, दोनों के दोनों अगर एक बार पुश करेंगे तो ये ऊपर ले जाएंगे अपने आप। यस सर, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है सर, अभी निफ्टी का सपोर्ट करते हैं, यस अगर ये इसने सपोर्ट किया और ऊपर ले गया तो इसको ऊपर ले जा सकता है, देखते हैं कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी आ चुका है स्टॉक, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से शायद ऊपर ना ले जाए, देखिए चल रहा है। इसको जरा पांच मिनट में चेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में हमारा क्या हो रहा है, ये देखिए ये लाइन है, और देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी, क्या कोई कैंडल, अभी बताइए क्या कोई कैंडल जो है अभी, अगर ये क्लोज होगी ऊपर कैंडल तो मेरे पास एक कोई बाय आ सकता है, छोटा मोटा कोई बाय आ सकता है अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी तो,
अभी देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, इसके नीचे बैठा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर है, तो दोनों को एक सिमेट्री में तो आना पड़ेगा। सर पांच मिनट में निफ्टी तो 100 ईएमए का रिजेक्शन ले रहा है, बैंक निफ्टी 200 ईएमए का। यस, मूविंग एवरेज के बेस पर आप इसमें चेक कर सकते हो। अब ये रिजेक्शन, क्योंकि मार्केट को एक बात का ध्यान रखना, मार्केट को कहीं ना कहीं से रिजेक्शन चाहिए नीचे आने के लिए, कहीं ना कहीं से रिजेक्शन चाहिए नीचे आने के लिए। ये इसको कहां से रिजेक्शन मिल रहा है, अपने ओपन से, अपने ओपन से, ओपन से रिजेक्शन लेगा तो एक डाउन लेगा, और अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो ओपन का सपोर्ट लेगा, ओपन का सपोर्ट पकड़ लेगा यहां पर, ये सपोर्ट और ये रिजेक्शन नीचे। अब वो चेक करना है कि रिजेक्शन आ रहा है कि सपोर्ट आ रहा है, इस समय भाई करो कोई सा भी, देखिए इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, आप जो मर्जी लगा लीजिए, जैसे मर्जी लगा लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं पर भी लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा तो दे ही जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप काम करते हैं तो आप सबसे पहले अपने कैंडल्स पर भरोसा कीजिए कि कैंडल्स आपको क्या बोल रही है। अगर कैंडल आपको अच्छी वैल्यू देगी तो आपको सारी जो बाकी सॉफ्टवेयर सब ऊपर जाने लगेंगे। अभी देखिए हमारा हिसाब किताब क्या रहा, ये कौन सा स्टॉक निफ्टी बैंक, देखिए अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो अभी मेरी कोई इसकी, देखिए यहां से नीचे आ रखा है निफ्टी बैंक वन डे में, क्या आपको अभी दिख रही है कि इसकी कोई बाइंग आ रही है? इसकी तरीके से बाइंग कहां पर आनी चाहिए बताएं? अगर मैं वन डे की भी बात करता हूं निफ्टी में, तो कब बाय आनी चाहिए मेरी? कम से कम आपकी कन्वर्जन लाइन के ऊपर, राइट कह रहा हूं, अभी मेरी बाय शुरू नहीं हुई है, ये किसी भी टाइम रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है, रिजेक्शन लेगा और निकल जाएगा। देखिए मल्टीपल ये क्या कर रहे हैं, आ गया, मैंने क्या बायर प्रेशर ज्यादा है सर, यस उसके ऊपर मिलनी चाहिए। अभी भी दिक्कत क्या है बताएं, अभी भी दिक्कत क्या है, निफ्टी नहीं चाहिए सर, निफ्टी नहीं सपोर्ट कर रहा, मतलब ये देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है, मगर निफ्टी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इसको, देखिए निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा ये कैसे जाएगा ऊपर, ये देखिए वापस नीचे। मैंने बोला ना रिजेक्शन, रिजेक्शन ये देखिए क्या हो सकता है, रिजेक्शन ये रिजेक्शन दे सकता है। बस आप आधा घंटा पौना घंटा जब भी टाइम होता है इसको वेट करें कि ये ऊपर दोनों एक साथ ब्रेक करने चाहिए, चाहे आधे घंटे में करें चाहे एक घंटे, जैसे ही ऊपर ब्रेक करेगा आपको बाय देगा वो, जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा आपको सेलिंग दे देगा। अब ना तो अभी बाय आ रही है ना सेलिंग आ रही है, दोनों बैठे हुए। देखिए वर्ल्ड मार्केट आज क्या बोल रहा है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है सर, ऊपर है, कितना ऊपर है, कितना ऊपर है ये बताएं? सर ज्यादा नहीं, अभी तक ओपन होना है सर, 1150 से मालूम चलता है, तो क्लोजिंग तो ग्रीन में हुआ है, अभी तो टाइम है, यस सर अभी तो है टाइम, और अभी हम वेट करेंगे अंदाजन। एक बात का ध्यान रखना, मार्केट के तीन फेज है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, मार्केट के तीन फेज है, कौन कौन से फेज है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, एक बार चेक कर लीजिए, मार्केट के तीन फेज है और कौन कौन से फेज है आप इसको चेक करें। पहला फेज जो आपके पास सुबह 9:15 से ये आता है 11:15 तक, ये मैंने पहले भी बताया मैं दोबारा बता देता हूँ, और दूसरा आता है 1:15 तक, और तीसरा आता है 1:15 से लेके अराउंड 3:15 तक, ये तीन फेज मार्केट के आते हैं। और हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें इस पूरे फेज में, जैसे आज 5 तारीख है, अगर 5 तारीख को मैं अभी देखता हूं तो मेरा जो फेज बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखते हैं इसको, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, और इन फेज पे आप ध्यान रखना जब मार्केट पे काम करोगे तो, ठीक है, मैं आपको कोई भी वो दिखा देता हूं इसको, ये देखिए, ये मॉर्निंग से लेके और अंदाजन 11:15 तक का टाइम मैं ले रहा हूं, देखिए इसका 11:15 कहां होंगे अंदाजन यहां पर, ठीक है, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इसको, इस जगह से, और 11:15 मेरे लगभग यहां पर होगा, ये मेरा पहला फेज बनेगा,
ठीक है, आप देखते हैं वो फेज को क्या ब्रेक करता है कि नहीं करता। ये मेरा पहला फेज है और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले यहां से दिखा देता हूँ आपको, पीछे वाले दिन में शायद आपको ज्यादा अच्छा काम करेगा ये, तो दिख जाएगा असल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये 9:15 बजे से ये था लो और 11:15 बजे तक का लगभग ये था, एक ये फेज बन गया था, एक ये फेज आ गया। फिर 11:15 बजे से 11:15 बजे से और अंदाजन 1:30 बजे तक का कौन सा फेज था, 1:30 बजे तक का अंदाजन ये रहा, कौन सा हाई कौन सा लो, लगभग ये लो यही लगा लीजिए, ये रहा लो। अब तीसरा फेज आपका कौन सा आता है, तीसरा फेज आपके पास आता है ये वाला। अब यहां पर अगर आप चेक करते हो थर्ड फेज को, तो यहां पर आपको थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे और वो चेंजेस क्या है, ये इसका हाई और ये इसका लो। क्या देखने को मिला आपको, अगर आप चेक करते हो तो अक्सर आपको ये मतलब 100% तो नहीं, हमें कम से कम 80% ये ध्यान में आएगा कि जो हमारा फर्स्ट फेज है और जो थर्ड फेज है ये लगभग अपोजिट मिलेंगे आपको। यस, फर्स्ट फेज और थर्ड फेज आपको अपोजिट मिलेंगे। अगर ये ऊपर जाता हुआ मिलेगा तो ये नीचे आता हुआ मिलेगा, अगर ये नीचे आता हुआ मिलेगा तो ये ऊपर जाता हुआ मिलेगा। इसके साथ में एक चीज और भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट फेज आपका ऊपर जा रहा है और सेकेंड फेज भी ऊपर जा रहा है, तो थर्ड फेज मतलब 90% डाउन में आ जाएगा। या फिर मॉर्निंग में आपने देखा फर्स्ट फेज भी डाउन में जा रहा है और सेकेंड फेज भी डाउन में जा रहा है, तो थर्ड फेज आपका ऊपर मिलेगा। और उसको आप कैसे जज कर सकते हैं, उसका आप सिंपल सा तरीका है कि आप उसके लिए एक ट्रेंड लाइन बना लें। कल और आज की भी ट्रेंड लाइन को आप अपने बहुत अच्छी तरह से बखूबी काम कर सकते हैं, कल और आज की भी ट्रेंड लाइन पर मैं दिखा देता हूं। कल का फेज क्या था, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये 5 मिनट का फेज मैं बोलता हूं और आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो ट्रेंड लाइन आपको क्या बोलती है, यहां पर चेक कीजिए, ये थी ट्रेंड लाइन आपकी, ये रही, वहां से इधर से कहीं से भी बना सकते थे आप। अगर मैं कल और आज की ट्रेंड लाइन को मर्ज करता हूं आपस में, तो मेरे को क्या बोल रही है आप बताएं जरा, कल और आज की ट्रेंड लाइन आपको क्या मर्जिंग दे रही है, यस जल्दी से बता दें, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं इससे मैं और अच्छी लाइन बना सकूं। ये देखिए आपको कहां से मिल रही है, ये हाई और ये लो, राइट और रॉन्ग, क्यों यही आ रही है, मतलब जब इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट कोई बाय उठा सकता है, नहीं तो मार्केट बाय नहीं उठा सकता। इसको जरा आप चलिए 5 मिनट के, क्या बोल रहे हैं, यस जरा सा हल्का सा और ऊपर कर लें जिससे ट्रेंड लाइन अच्छी बन जाए, ये भी है, इधर भी सही कर लें, इधर तो ओके है, यहां ओके है, मतलब आपके पास बाइंग कहां पर आ रही है, देखिए इसके ऊपर आपकी बाइंग आएगी, तब तक आपकी कोई बाय बनेगी नहीं, कोई बाय नहीं है, ये मेरे को इसके ऊपर बाय मिलेगी। और अगर मैं यहां पर क्लाउड लाइंस लगा देता हूं, आप कहां चलेगी, गायब हो गई, चलिए कोई नहीं, अब देखिए कोई भी आपकी बाय नहीं है, अभी सेलिंग ही रखी हुई है, अभी बाइंग सेक्शन को ही आया नहीं देखिए। लेकिन अब यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, यहां पर देखिए ये तो सपोर्ट पर बैठ गया बैंक निफ्टी और ये आपका सपोर्ट पर नहीं है, आप किसका वेट करेंगे इस समय, क्यों राजीव जी वेट किसका करेंगे इस समय कि ये सपोर्ट ले लें, निफ्टी ऊपर आने तक वेट करें। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके पास ये आएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन कि भाई आप वेट किसका करेंगे, इसके ऊपर आने का वेट करेंगे कि इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, यस इसके बाय का वेट करेंगे कि इसके सेल का वेट करेंगे, यस क्या वेट करेंगे, निफ्टी अगर नीचे आ गया तो सेल में आ जाएगा सर। अब अगर निफ्टी को या बैंक निफ्टी को सेल में आना है, समझिए अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी को सेल में आना है तो अपना लो ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं, आज का जो लो बनाया, आज का जो अभी तक का लो बनाया उसको ब्रेक करना yes. पड़ेगा, ये आपका सिंपल सा रूल है। आप देखिए मैं 1 आवर की बात करता हूं या 1 डे की बात करता हूं, तो अभी तक का कौन सा बनाया, थोड़ी देर में जितना भी बना है वो यहां तक का बना है, राइट इसको अगर मैं 1 डे की बात करता हूं, अभी तक जितना भी बना हुआ है, अभी तक कितना बना हुआ है ये रहा है, इसको इसे ब्रेक करना ही पड़ेगा तब जाके अपनी सेलिंग में आ सकता है, नहीं तो ये सेलिंग में नहीं आएगा, ये रहा है। चेक कीजिए ओपन आज कहां पर हुआ, ओपन ये रहा है, इसको किसी और कलर से लाइन डाल दीजिए ओपन की, ये रहा ओपन,
इसका ओपनिंग पहले से बैठा हुआ है, आप इसको चेक कीजिए आप क्या कर रही है मार्केट, क्या बाय में आ गया नहीं आया। आप यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, पहला केस कौन सा कि ये भी नीचे आ जाएगा गिर के, या फिर दूसरा ये ऊपर चला जाएगा। मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ये है कि अगर वर्ल्ड मार्केट ये बोल रहा है कि ये बाय में जाएगा, वर्ल्ड मार्केट बाय में जा रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर में राइट, और अगर वर्ल्ड मार्केट डाउन खुलता है तो उस केस में ये नीचे आ जाएगा राइट, दे रहा हूं yes, क्या बोलते हैं होगा बताए, चल दिया ऊपर, ये देखिए चल रहा है ऊपर, इससे ऊपर अगर ये आ गया तो फिर एक लंबा आप ले सकता है लंबा, लेकिन अभी भी बाय नहीं है, अभी भी बाय नहीं है बताए, क्या बाय आ गई बाय कब आएगी, बाय तभी आएगी जब दोनों के दोनों बाय में आ जाएंगे, नहीं तो ये बाय में नहीं चल सकता। देखिए आपके सामने ही चल रहा है, चल रहा है जल्दी है दोनों बाय में, लेकिन अभी भी बाय नहीं है, क्यों नहीं है बाय, बाय में नहीं है अभी निफ्टी है नहीं बाय में, क्यों जबरदस्ती कर रही, नहीं करे रुक जाए। कौन से देखे थे बताए सर, सन फार्मा क्रॉस कर गया और यूनिलीवर भी नीचे क्रॉस कर गया, सन फार्म एक में से देखते हैं, इंडो यूनिलीवर और सन फार्म कहां चला गया, ये नीचे आ गया ठीक है, और सन फार्म, सन फार्म भी ये भी क्रॉस कर गया राइट, दोनों के दोनों आ गए ठीक है। आप चलते हैं आगे, देखिए मार्केट अपने हिसाब से चलता रहेगा, मार्केट में कभी डिस्टर्बेंस ना करें मार्केट के साथ में, आराम से मार्केट को चलने दे तो मार्केट आपको मना नहीं करेगा, ये देखिए बाई कर रहा हूं, ये आ गया बाई की नहीं आया, आप बताएं सर क्या हुआ, हम वेट कर रहे थे दोनों की, अभी भी मैं एकदम बाय नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा बताएं, या जल्दी से बताएं बाय अभी क्यों नहीं आई, किसके हाई के पास में है अगर ऊपर सस्टेन कर दिया तो अच्छा भैया, देखिए ये इसका ओपन था, ये बात का हमेशा समझे कि ये इसका ओपन था, देखिए ये इसका ओपन था, ओपन से ऊपर सस्टेन किया तो ये यहाँ तक गया है, अगर ये ऊपर सस्टेन करेगा तब ऊपर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, और इसके लिए हमें वेट करना बहुत अच्छा होता है, थोड़ी देर वेट कर ले तो कोई बुराई नहीं है सर, वो फेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक ही जैसा काम करते हैं सर, बनाया था उसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा वो देखिए वो तो मैंने इसमें देखिए आपका फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज दिखाता हूँ आपको, देखिए आप कोई सा भी फेज ले लीजिए, ये देखिए अक्सर क्या होता है कि आपका मैं 30 तारीख ले लेता हूँ, इसका हाई और लो कैसे बना है चेक करें, इसका हाई और लो कैसे बना है, देखिए पहला फेज सुबह 9 बजे से और अंदाजन 11 बजे तक, ये था फेज, मतलब ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसी थ्योरी होगी ऐसा होता ही है, नहीं है, मैं सिंपल सा रूल बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है, मार्केट ये देता है, ये अंदाजन 11:30-11:30 तक ही कैंडल है, उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, सेकंड वाला फेज आपको देखने को मिलेगा जब आपके पास जो मार्केट है वो तो सेकेंड फेज के अंदर घुसता है, सेकेंड फेज का लो कौन सा ये यहाँ पे आपका लो और लगभग ये 13 और ये आई है 150। अब आपको क्या देखना है, मॉर्निंग में मार्केट देखिए ऊपर चला और डाउन में आ गया यहाँ पर, तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं सीधा सीधा, अगर ऐसे ना भी बोले तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो बाई साइड में चले जाए और इसका लो ब्रेक हो तो सेल साइड में चले जाए, ऐसा भी मान सकते हैं, इतना भी पॉइंट आपको देगा वो आपको पॉइंट ले सकते हैं, ये भी एक इश्यू होती है, तरीका होता है खाली, और खासकर ये निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में बहुत होता है, जब आपका स्टॉक बुलिश हो रहा हो आपको पता लग गया स्टॉक बुलिश है तो कोशिश करें कि भाई मॉर्निंग में अगर वो बाय में जा रहा है तो 2 बजे के आसपास सेलिंग ले, 2:00 सेलिंग ले तो आपको मिल जाएगी। अच्छा इसका बताइए मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है, कौन सा ये स्टॉक, सन फार्म, यस सन फार्म का कहां से आ रहा है इसका सेलिंग मोड जरा बता देने को। चलिए अब एक छोटा सा काम और करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है और
देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपका बोल रहा हूँ इसके साथ में लगाएं आप चैनल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैनल मोड यहाँ पर बना लें। चैनल देखो क्या होगा जरा बता दें, सन फॉर्म का चैनल जल्दी से बताएं, चैनल ट्रेडिंग शुरू करते हैं। चलिए क्या बता रहे हैं बताएं, चैनल क्या, ये चैनल है राइट या रॉन्ग? यस सर, चैनल बना रहे सर। ये ले लीजिए फिलहाल के लिए, हायर हाईज हायर लोस बना रहे हैं, मतलब इसके आसपास से कहीं से सेलिंग करेंगे उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है, और करके देख भी लेंगे उसमें क्या है। ये देखिए इसको मैंने बना लिया है, ये चैनल बन गया है मेरा, हालांकि नीचे से मैंने राफी बनाया थोड़ा सा, अब कोई इशू नहीं है, ये मैंने चैनल बना दिया है। इसको हटा देते चलते हैं इसको वनडे पर। ये देखिए अच्छी तरह से बाय लेके जा रखा है, और सेलिंग कहां से आएगी इसकी, यहां से। अभी है टाइम हमारे पास सेलिंग का। और मैंने आपको एक चीज और भी बोली थी अगर आपको याद है तो, मैंने बोला था जो चैनल होता है चैनल का 50% जहां तक इसकी बाय है, इसके ऊपर आप सेलिंग सोचने लगेंगे राइट, इसके ऊपर आप इसकी सेलिंग सोचने लगेंगे, सिंपल सा रूल है इसका राइट। आप देखिए अब मैं अच्छा है एक चीज और दिखा देता हूं, देखिए इस समय ये चल रहा है निफ्टी बैंक, ये चलने दीजिए इसको, मैं निफ्टी बैंक को आपको लाइन दिखा रहा हूं कहां चली गई वो, पूरी कहां चली गई लाइन, क्लाउड लाइन, जरा इसको आप चेक कीजिए यहां पर क्या हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, क्या चल रहा है अभी बताएं जरा, क्रॉस कर गई कैसे अनु, ये क्रॉस कर दी आपके पास, आपको बाय कब लेनी है, बाय के आपके दो सीन है, ये मैंने पहले भी समझाया, देखिए जैसे ये क्रॉस करता है दोनों लाइन क्रॉस करे आप यहां से अपनी बाय निश्चित कर सकते हो, ठीक है, अभी भी बाय साइड में ही है लेकिन एक रिट्रेसमेंट लेगा, ये रिट्रेसमेंट उसके बाद आपके पास ये बाय साइड में जाएगा, लेकिन अभी पूरा बाय नहीं आया, ये मैं पहले बता दूंगी, देखिए नहीं आया ना, क्यों, रीजन क्या है, बाय नहीं आने का, पूरा अभी कंप्लीट बाय नहीं है, बैंक निफ्टी तो बाय में जा रहा है लेकिन निफ्टी नहीं जा पा रहा है, और जब तक निफ्टी आपका बाय में नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगा राइट, यहां बताए वापस आगे देखिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक चीज और छोटी सी इसी में कर लेते हैं, निफ्टी बैंक की हम बात कर रहे हैं तो जरा निफ्टी बैंक का मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं यहीं पर ही, कि इसका चैनल कौन सा बन रहा है जरा ये बताएं, चलिए एक छोटा सा काम और कर लेते हैं इसी में ही, जरा पीछे से चेक करें इसको अपने इसको, ये मैंने बाकी पीछे क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं, देखिए चैनल है और ये चैनल इंपॉर्टेंट चैनल है इसका, और उसी चैनल पे हम आगे ढूंढ रहे हैं हमारी बायसल कहां है, हमारी बायसल यहां बैठी है, ये मेरा पूरा चैनल है और हमारी बायसल यहां पर बैठी हुई है, ये देखिए ये मैंने लगा दिया इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी पर और हमारी बायसल यहां है, ये इसको मैंने हटा दिया। अब जरा मेरे को बताइए स्टॉक चैनल में ट्रेड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये पूरा स्टॉक आपका चैनल में था, चैनल ब्रेक हो चुका, अब यहां पर आगे क्या हो रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है स्टॉक जरा बताएं, चैनल पे सपोर्ट ले रहा है, चैनल पे सपोर्ट ले रहा है। अब इसके साथ में एक चीज और चेक कर लें, अगर मैं एक चैनल और बनाता हूं अभी तो वो मेरे को क्या बोलता है, यहां पर चैनल चेक कीजिए, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन दोनों को अगर मैं लगभग मिला देता हूं तो मेरा यहां कहीं आ गया और मेरा चैनल बन गया ऑलमोस्ट ये वाला, ये मेरा एक चैनल बन के आ रहा है दोबारा, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं, दो चैनल मेरे बन गए हैं बैंक निफ्टी के अंदर, दो चैनल बन चुके हैं। अब आपको कहां से सेलिंग करनी चाहिए ये बताएं, यस
कहाँ से सेलिंग करनी चाहिए अगर ये ऊपर जाएगा तो। मार्केट सेल में ही है, मार्केट बाय में नहीं आया अभी, मार्केट सेल में ही है। आपको कहाँ से सेलिंग करनी चाहिए, इसके पास से ना, अगर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इसके पास से सेलिंग करनी चाहिए, उससे पहले आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर नीचे आए तो रेड लाइन के ऊपर बाय मिलेगा। अब आपको बाय कब मिलेगा, आने दीजिए आराम से तसल्ली से, आज ही आएगा कल आएगा अच्छी बाय देके जाएगा। या तो आपको रेड लाइन के पास से यहाँ से बाय मिलेगी और या यहाँ से बाय मिलेगी, दो जगह से बाय मिलेगी राइट। और अगर ये ब्रेक कर गया तो लगभग 26,000 ये आ जाएगा वापस। वेट कर रहे हैं। अब हमें ये भी पता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा जब चैनल के अंदर स्टॉक ट्रेड करेगा तो चैनल के लोअर वेट तक जाएगा, मतलब अगर इस चैनल के अंदर आ गया तो लोअर विथ तक आ जाएगा यहाँ तक, और ये वैल्यू आती है अंदाजन 26,000। तो मार्केट उस केस के अंदर 26,000 क्रॉस करने की तैयारी करेगा, और अभी मेरे पास कहीं पर भी बाय नहीं आई। और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, जरा 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, क्या कोई चैनल बन पा रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम का, जल्दी से बताए क्या 1 आवर का कोई चैनल बन रहा है, 1 आवर आधे घंटे कोई दिख रहा है आपको चैनल, बताए क्या मैं ये लाइन लगा दूं, यस क्या ये लाइन लग सकती है, और क्या मार्केट वहीं से नीचे आ रहा है, यस सर एग्जैक्ट। मार्केट का जजमेंट ही तो और दुनिया में है क्या, एक ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए मार्केट का जजमेंट बहुत जरूरी है। और जब मार्केट ये देखिए डॉट अब मार्केट में चलता है इसको 5 मिनट में, मार्केट क्या कर रहा है देखिए सर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न लग रहा था, हेड एंड शोल्डर तो मजे आ रखे हैं निफ्टी में, आपको तो ऐसा देखने का नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, वीक में मंथ में डे में आप कहीं पर भी लगा लीजिए, इस समय हेड एंड शोल्डर बड़े मस्त दिख रहा है। ये देखिए शोल्डर हेड और ये शोल्डर राइट आ रहा है, ये गिरने की तैयारी है। डे में देखिए, डे में बताइए आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, शोल्डर हेड शोल्डर दिख रहा है आपको, 1 आवर में देखिए, यस 1 आवर में देखिए कि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, शोल्डर हेड शोल्डर दिख रहे हैं, तीनों टाइम फ्रेम में आपके पास एक आपको मिल रहा है। देखिए अभी क्या किया इसने, अच्छा मैंने कुछ बिगाड़ दिया, मैं वो कारना था, मैं वही कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ गया है। यहाँ पर आ रखा है ठीक है, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर चेक कर सकते हैं ये ठीक है, ये आपके पास जगह है देखिए, यहाँ पर ये जगह है और अभी ये मार्केट जो है सेलिंग पर है ठीक है। 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जस्ट अभी गिव मी 2 सेकेंड। क्या मार्केट कर रहा है, अगर मैं देखता हूं देखिए जीरो अलाउ नहीं कर रहा है मेरे को ये करने के लिए, मैं इसे 5 मिनट में जा रहा हूं तो मेरे को 5 मिनट में सही वैल्यू नहीं दे रहा है। देखिए 5 मिनट में कहां दिखा रहा है मेरे को ये लाइन, ये रहा है, तो हम जरा 5 मिनट की लाइन को ही सही कर लेते अगर हो जाए तो। ये देखिए राजू जी आपकी जीरो में बहुत चलती है, जरा इसको बताएं
सर वो तो पैसा देख रहा है पूरा सिस्टम को, कितना मेल डाले थे भी वो रेस्पॉन्ड नहीं करता, ये देखिए पेट भरा हुआ लोग है सर। और मैं लगा रहा हूँ और देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए। चलिए कोई नहीं, इसको तो देखिए, ये आपके पास जगह है, जरूरी नहीं है इसको ऐसे लगा के देख लेते हैं, शायद हो सकता है हमारी गलती हो, मान ना रहा हो सिस्टम ऐसे। तो आप इसको एक लाइन डाल दे सिंपल सी, मैं एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, चैनल को हटा लेते हैं। ये जगह है देखिए आपकी, और मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है कि यहाँ से देखिए एक सेलिंग आ रही है, सेलिंग ये देखिए सेलिंग चल रही है अभी, और अभी ये बाइंग नहीं आई, बाइंग कब आएगी इसके ऊपर ही आएगी, बाइंग अभी आई नहीं, हमारा सिनेरियो बाइंग का बना ही नहीं अभी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि चांसेस किसके हैं, ऊपर जाने के चांस है या नीचे जाने के चांस है, बताए चांसेस कहाँ के बन रहे हैं, मैं बाय करूं या सेल करूं, जल्दी से बोले, वेट करना है सर। अभी आपका थोड़ा सा वेट करें, जरा सा वेट करें, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी बाय में है और ये आपका निफ्टी सेलिंग में आ रखा है, सेलिंग में भी नहीं है पर बाइंग में भी नहीं है, जरा सा वेट कर लें, इसके ऊपर आपका बाय मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा वेट करके, लेकिन अभी सेलिंग ना करें एकदम से, सेलिंग आपको इश्यू कर सकता है, क्योंकि जो ये है सेलिंग कब करेंगे, देखिए सेलिंग की जगह बताता हूँ आपको, सेलिंग तब होगी जब ये ओपन से नीचे आ जाएगा, बैंक निफ्टी अगर ऊपर से नीचे चलने लगे तो आप आराम से तसल्ली से सेल कर ले, और ये ओपन से ऊपर निकले ना फिर सेलिंग आ जाएगी, ये देखिए क्या चल रहा है, देखिए आपके सामने ही है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहे सर, ट्राई कर रहा है पर अभी गया नहीं है, जब तक ये ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको बाय देगा ही नहीं है गलती से, ये देखिए पहली बार नहीं किया, दोबारा आया नहीं किया, तीसरी बार आ रहा है सर, अभी वेट कीजिए आराम से, वेट कीजिए, चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है, और क्लास को मैं रोकता हूँ 11 बजे, मेरी दूसरी क्लास है, इसको आराम